अम्मा कहाँ हो? किन मारू? छतरपुर में लग रहा है कि अभी भी रजवाड़ा शाही ही चल रही है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर अपनी जमीन पर लोग खेती तो कर सकते हैं, लेकिन फसल नहीं ले जा सकते। बीच रास्ते पर बैठकर आंसू बहाती इस महिला के आंसू यही बयां कर रहे हैं। फसल तो इन गरीब लोगों ने बोई थी, लेकिन काटकर कुछ दबंग ले गए। महिलाओं का तो ये भी आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ मारपीट भी की है और साथ में उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इसी गुंडई के खिलाफ महिलाएं बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंच गईं। हाथों में हंसिया लेके महिलाओं ने एसपी को अपनी व्यथा से रूबरू कराया। अम्मा कहाँ हो? मारू है। किन मारू? संतोष बामन ने। कौन सी बात कर लेंगे? काटन गए थे। जमीन की किया अम्मा? हमारी। आपकी जमीन है? हमारी जमीन है। हमारे आदमी के नाव है ना, हुई ना तो कागज में देख लो आप। कितने लोगों ने मारा आपको? मन संतोष ने। कितने लोग थे वो लोग? अच्छा, आपकी खेती पर वो लोग काट रहे थे? हमारी खेती पर काट रहे थे, मनाने वाले आए थे। मामला जिले के ईशा नगर के सलैया गांव का है, जहां पर हरी रजक बतौरा रजक गांव की भूमि पर कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। हालांकि जमीन को लेकर गांव के कुछ दबंगों से विवाद भी चल रहा था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद जमीन वापस उनको ही मिल गई थी। अपनी जमीन पर सरसों की फसल बोई थी। आरोप है कि गांव में ही रहने वाले संतोष पटेरिया ने जबरन उनकी फसल को खेत से कटवा लिया और जब उन्होंने फसल काटने का विरोध किया तो मारपीट और कपड़े तक फाड़ दिए। ये ईशा नगर अंतर्गत ग्राम सलैया है, वहाँ से कुछ महिलाएं और जेंट्स आए थे। उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया कि उसमें उनकी फसल किसी अन्य व्यक्ति ने काट ली है। उसमें विदित हुआ कि इनका मैटर अभी एसडीएम के यहाँ चल रहा है 145 के अंतर्गत, और कुछ जमीनी डिस्प्यूट भी है और साथ में फसल के, तो उनको यही बताया गया है कि रेवेन्यू से आप क्लियर कर लें और जब भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो फोर्स में आप डिवेल करा लें। गांव से आई महिलाओं का कहना है कि वो बेहद गरीब हैं, खेती करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। वो अन्याय की शिकायत को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उनको एसपी ऑफिस का रुख करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया है। पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया, छतरपुर। अम्मा कहाँ हो? किन मारू? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।